देखो बच्चों, आज हम आप लोगों को एल्कोहल पढ़ाने वाले हैं। एल्कोहल कक्षा 12 में एक चैप्टर है, एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो उसमें सबसे पहले हम एल्कोहल को पढ़ाएंगे। जैसे एल्कोहल यहाँ पर लिखा गया, एल्कोहल किसे कहते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्राक्सिल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्राक्सिल समूह जुड़ा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं जो यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखो, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ये CH3, CH4, C2H6 और C3H8, ये सब क्या कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये इनको हम खुली श्रृंखला में जैसे रख देंगे, CH3, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। और जैसे देख लीजिए, CH2 और CH3, इसे हम क्या कहेंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से केवल मिलकर बने होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अब इन हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। जैसे देख लीजिए, अभी यहाँ पर इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार होती है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपने बाएं कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन से साझा कर सकता है। अपने बाएं कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन से साझा कर सकता है। चार इलेक्ट्रॉन से साझा करने के लिए यह कितने हाइड्रोजन से जुड़ सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ सकता है, चार से। देखो, एक कार्बन के बीच में हमेशा चार बंध लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन है, जैसे इसी का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, क्या है, एथेन है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक एकल बंध लगा हुआ है। कार्बन की संख्या कितनी होती है, चार होती है। एक कार्बन से हमेशा तीन मतलब चार बंध बने होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसमें देखो केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसे हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, ये समूह कौन सा समूह है, OH समूह कौन सा समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है। यदि हाइड्रोक्सिल समूह अगर किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, एथेन है। लेकिन अब यहाँ पर एक आप यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर OH समूह जोड़ देंगे तो इसे क्या कहेंगे हम, एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अभी ये क्या था, हाइड्रोकार्बन था। कौन सा हाइड्रोकार्बन था, एथेन था। लेकिन अब यहाँ से क्या जुड़ गया, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ गया। हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अब इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा एल्कोहल कहेंगे, यहाँ पर हम, यहाँ पर देखो दो कार्बन है, दो कार्बन को एथेन कहते हैं, एथ कहते हैं, एथ कहते हैं, जिसमें सभी एकल बंध लगे होते हैं, एथेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोक्सिल समूह अगर उसका IUPAC नाम लिखते हैं, OH समूह अगर लगा रहता है, तो उसके लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, ई हटाकर क्या जोड़ देते हैं, आल जोड़ देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह न लगा होता तो यहाँ पर ये क्या होता है, इथेन होता। क्या होता है, इथेन होता। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम माइनस ई हटा देते हैं और प्लस क्या जोड़ देते हैं, आल जोड़ देते हैं। तो इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो अब ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, एथेनॉल इसे कहते हैं। ये तो एथेनॉल को पीने वाली शराब भी कहते हैं, जिसे सब लोग पीते हैं। हम लोग जैसे पीते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शराब कहते हैं। उसी का सूत्र है C2H5OH, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2H5OH। ये हाइड्रोकार्बन से यदि एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। उसके लास्ट में हम आल लगा देते हैं, तो एल्कोहल। जैसे ये क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। अभी जैसे देख लीजिए बच्चों, CH3OH लगा हुआ है, तो यहां पर इसे हम क्या कहेंगे, मेथेनॉल कहेंगे, मेथे
नॉल कहते हैं। इसी तरह से एथेनॉल अभी और हाइड्रोकार्बन है, जैसे यहाँ पर कितने कार्बन लगे हुए, चार लगे हुए, यहाँ से हम टू बना दे रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ पर OH लगा हुआ है, तब इसका नाम हम लिखेंगे, इसका नाम ये क्या हो जाएगा, और आईयूपीएसी नाम में आप लोग पढ़े ही होंगे, कक्षा 11 में है, तो यहाँ पर जो OH लगा होता है उसको सबसे कम नंबर दिया जाता है, कार्बन से जिस कार्बन से लगा हो तो उस कार्बन को सबसे कम नंबर दिया जाएगा। इस कार्बन से लगा हुआ तो इसका पहला कार्बन है, पहले कार्बन से OH लगा हुआ तो 1 2 3 4 वन है, पहले कार्बन पर R लगा हुआ है, कुल कितने कार्बन है, चार है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन ब्यूटे नॉल, क्या लिखेंगे इसे हम, वन ब्यूटे नॉल लिखेंगे। तो देखो ये एल्कोहल हो गया, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन से OH लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटे नॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, वन ब्यूटे नॉल कहते हैं। तो यहाँ पर मतलब पहले कार्बन पर लगा हुआ है, ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा, ये तीसरा और चौथा, पहले कार्बन पर OH लगा हुआ है, इसीलिए हम इसका नाम क्या लिखते हैं, वन ब्यूटे नॉल, चार कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, सभी ब्यूट कहते हैं, सभी एकल बंधन कहते हैं, तो एन लगाएंगे और OH लगा हुआ होता है तो वहां से हम क्या करते हैं, ई हटा कर OL लगा देते हैं, तो किस नंबर पर लगा हुआ, पहले पर, इसीलिए इसका नाम क्या लिखते हैं, वन ब्यूटे नॉल कहते हैं। इस तरह से हम एल्कोहल को पढ़ सकते हैं, एल्कोहल का मतलब यही है कि मतलब जिस हाइड्रोकार्बन से OH समूह लगा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अभी जैसे तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से OH लगा हुआ है जिसे हम एल्कोहल कहते हैं। अभी एलिफैटिक है, ये एलिफैटिक का मतलब फुल श्रृंखला के जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेनॉल कहते हैं, मतलब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। लेकिन अभी यही अगर एरोमेटिक होता तब इसे हम एल्कोहल नहीं कहते, जैसे देखिए एरोमेटिक ये हो गया, ये कौन सा है, एरोमेटिक यौगिक है। अब अगर यहाँ से OH लगा हुआ है तो इसे एल्कोहल नहीं कहेंगे, अगर एरोमेटिक यौगिकों से OH लगा होता है उसे हम फिनॉल कहते हैं, और एलिफैटिक यौगिकों से यदि हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल और फिनॉल में ये डिफरेंस होता है, मतलब एरोमेटिक यौगिक से लगा होता है उसे हम फिनॉल कहते हैं, अगर एलिफैटिक यौगिक से लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं वो मोनोहाइड्रिक होते हैं, डाईहाइड्रिक होते हैं, और क्या होते हैं, ट्राईहाइड्रिक होते हैं। अगर इनसे अधिक होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अगर अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह लगे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सिल एल्कोहल कहते हैं। अगर एक मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, अगर उसे कोई OH समूह लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर CH3 CH2 OH है, यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन से दो हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ सकते हैं, इससे भी एक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ सकता है, इससे भी एक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ सकता है, लेकिन इस हाइड्रोकार्बन में केवल एक ही हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, नहीं एल्कोहल कहेंगे ना। अब जैसे देख लीजिए यही दो कार्बन है यहाँ पर CH2 CH2, दो ही कार्बन है, यदि हम इसे OH लगा देंगे, OH लगा देंगे, देखिए इसमें भी दो कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन है, दोनों में दो दो कार्बन है, लेकिन यहाँ पर दो एक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, इसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। यहाँ पर दो हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, डाई हाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। इसी तरह से अभी अगर इससे अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह लगे होते हैं, जैसे यहां पर देख लीजिए CH2 CH2 CH CH2
इसमें देख लीजिए तीन कार्बन है, तीनों कार्बन से एक एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए। तीनों कार्बन से कितने हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए? एक एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए। कुल कितने हाइड्रोक्सी समूह यहाँ पर हो गए हैं? तीन। इसे हम कौन सा एल्कोहल कहेंगे? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, TRI, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। इसे हम क्या कहेंगे? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्राई हाइड्रिक। इस तरह से हम एल्कोहल पढ़ सकते हैं। यदि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। यदि एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से केवल एक हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यदि एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से दो हाइड्रॉक्सी समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यदि एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से तीन हाइड्रॉक्सी समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इस तरह से हम एल्कोहल को पहचान सकते हैं। मतलब हाइड्रॉक्सी समूह लगा हुआ है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। अगर एलिफैटिक से जुड़ा हुआ है तब, अगर एरोमेटिक से जुड़ा हुआ तो उसे हम फिनाल कहते हैं। तो इस तरह से हम मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। सभी का जो सामान्य सूत्र होता है वो देखो अलग अलग होता है। मोनोहाइड्रिक का अलग होता है, डाईहाइड्रिक का अलग होता है, ट्राईहाइड्रिक का अलग होता है। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का जो नाम तंत्र होता है आप उसका नामकरण कर सकते हैं। इसे अगर इसका हम नाम लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए दो कार्बन है, एक दो कार्बन है, इसका नामकरण किधर से करेंगे? अंकन, तो यहाँ पर दो ही कार्बन है, दो से अधिक होते हैं तब यहाँ पर इसको अंकन करेंगे। नहीं तो इधर से भी पहले रंग, अगर यहाँ पर OH लगा हुआ पहले नंबर पर है, यहाँ पर लगेगा तब पर भी किस नंबर पर आएगा? पहले नंबर पर आएगा। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तो है ही, एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल ना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या एथिल एल्कोहल कहेंगे। और दूसरे को कहेंगे डाई हाइड्रिक एल्कोहल या एथिलीन ग्लाइकॉल। और तीसरे को हम क्या कहते हैं? ग्लिसराल कहते हैं, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल और इसे हम क्या कहेंगे? ग्लिसराल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसराल कहते हैं। नामकरण हम कर सकते हैं। जैसे इसका अगर नामन क्लेचर करना है, नामकरण करना है, अगर नामकरण हमें करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर नामकरण करने के लिए आप IPCC नामकरण तो कर ही चुके हैं। नामन क्लेचर यहाँ पर जैसे देख लीजिए CH3, CH2, CH2, CH2 यहाँ पर लगा हुआ है, जिसे क्या कहेंगे? चार कार्बन, एक दो तीन चार। वन क्या कहेंगे इसे हम? वन ब्यूटेनॉल कहेंगे ना, वन ब्यूटेनॉल कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसमें चार कार्बन है, चार कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हुए, पहले नंबर पर क्या लगा हुआ? OH समूह लगा हुआ है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? वन ब्यूटेनॉल कहते हैं। और जैसे देख लीजिए इसी में अभी हम टू ब्यूटेनॉल, थ्री ब्यूटेनॉल भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है CH3, CH2, CH और CH3, और यहाँ पर लगा देंगे OH। इसे हम क्या कहेंगे? टू ब्यूटेनॉल कहेंगे, क्योंकि अभी ये पहले नंबर पर लगा था OH, इसीलिए इसे हम वन ब्यूटेनॉल कहते थे। अब वही OH किस नंबर पर लग गया? दूसरे कार्बन पर लग गया। दूसरे कार्बन से लगने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? टू ब्यूटेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? टू ब्यूटेनॉल कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा टू ब्यूटेनॉल। इस तरह से हम किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। CH3, CH2, 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 CH, CH2, CH3, OH। देखो ये थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन गिन सकते हैं आप। यहाँ पर से देखो एक दो तीन चार पाँच छः, इधर से अगर हम अंकन करते हैं छठवें नंबर पर हाइड्रोक्सी समूह लगा होता है, इधर से करते हैं तो तीसरे नंबर पर लगेगा। जिधर से कम नंबर, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है तो उस कार्बन को अगर ये सबसे कम जिधर से नंबर मिलता है उधर से हम उसका अंकन करते हैं। इसीलिए यहाँ पर अंकन इसका हम इधर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन है। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे 3। 8 कार्बन को हम क्या कहते हैं?
ये सभी एकल बंध लगे, ऑक्ट कहते हैं सभी एकल बंध लगे हो तो ऑक्टेन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर तीसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ, आल लगा हुआ, तो यहाँ पर आल जोड़ देंगे, क्या हो जाता है, थ्री ऑक्टेनल। इस तरह से हम किसी भी मतलब हाइड्रॉक्सी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण हम आसानी से कर सकते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को तीन वर्गों में बांटा गया है, तीन वर्गों में बांटा गया है, जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, वो तो पढ़ ही चुके हैं। तो जैसे इसमें पहला है कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल और तृतीय एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल और तृतीय एल्कोहल। प्राइमरी का मतलब होता है जिसमें जिस कार्बन से प्राइमरी का मतलब प्राइमरी प्रा प्राइमरी एल्कोहल्स प्राइमरी एल्कोहल का मतलब ये होता है जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे देख लीजिए CH2 3 CH2 CH2OH, इसे हम कौन सा एल्कोहल कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। क्यों इसे प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर OH जो जुड़ा हुआ है वह एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए पहले कार्बन से, इसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। मतलब जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, यदि उस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। द्वितीय एल्कोहल देख लीजिए, सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी जो हो जाएगा वो यही, ये भी देख लीजिए बन जाएगा CH3 CH CH3 OH, और सूत्र दोनों का समान है। नहीं, ये तो हो जाएगा सेकेंडरी, हाँ प्राइमरी सेकेंडरी हो जाएगा, और सूत्र दोनों के समान है। एक दो तीन, तीन कार्बन इसमें भी है, एक दो तीन कार्बन इसमें भी है, हाइड्रोजन सब देखो इसमें जितने हैं इतने इसमें भी है, तीन हाइड्रोजन, तीन दो पांच, दो सात एक आठ, तीन तीन छ एक सात एक आठ, कार्बन हाइड्रोजन अणु सूत्र समान है, लेकिन ये प्राथमिक एल्कोहल है और ये द्वितीय एल्कोहल है, ओ हाँ प्राइमरी एल्कोहल और ये सेकेंडरी, प्राथमिक एल्कोहल या द्वितीय एल्कोहल कहते हैं ना। द्वितीय एल्कोहल में जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन जुड़े हुए हैं। जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, दो दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। और यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। और तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है कि जिस कार्बन से CH3, इसमें और सूत्र थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, CH3 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 OH, इसे हम क्या कहेंगे, टर्सियरी कहेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी ना, प्राइमरी सेकेंडरी और क्या कहेंगे, टर्सियरी कहेंगे ना। टर्सियरी का मतलब ये है कि जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, यदि उस कार्बन से तीन कार्बन जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्सियरी एल्कोहल कहते हैं। प्राथमिक, जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, यदि उस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, और जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन से दो कार्बन जुड़े होते हैं उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, और जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन से तीन कार्बन जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टर्सियरी एल्कोहल कहते हैं। सब में एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ये भी है और ये भी है। मोनोहाइड्रिक का मतलब इसमें भी एक हाइड्रॉक्सी समूह लगा हुआ है, इसमें भी एक हाइड्रॉक्सी समूह लगा हुआ है, और इसमें भी एक ही हाइड्रॉक्सी समूह लगा हुआ है, सभी में एक ही हाइड्रॉक्सी समूह लगा हुआ है, सभी को हम मोनोहाइड्रिक कहेंगे, लेकिन
सभी को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल कहेंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है ये प्राइमरी हाइड्रोकार्बन है, ये सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या है, टर्सियरी हाइड्रोकार्बन है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्यों कहेंगे, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है उससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम प्राइमरी हाइड्रोकार्बन कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। और इसमें क्या है कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है उससे दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। और इसमें क्या है कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है उससे तीन हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हैं, तीन मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, टर्सियरी एल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सियरी, ये हो गया। अब जैसे देख लीजिए अगली हेडिंग है आइसोमेरिज इन एल्कोहल। आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है एल्कोहल की समवयवता, मतलब एल्कोहल की समवयवता, एक ही अणु सूत्र के आप जितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, समवयवता कहलाती है। आइसोमेरिज इन समवयवता, एल्कोहलों की समवयवता, एल्कोहलों की समवयवता का मतलब होता है एक ही अणु सूत्र के आप जितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, समवयवता कहलाती है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर C3H8O का हम बना रहे हैं, C3H8O ये एल्कोहल है, इसका अणु सूत्र ये C3H8O। अब आप इसके जितने अणुसूत्र ये हो गए, इसके जितने संरचना आप बना सकते हैं वही इसका क्या हो जाता है, समवयवता हो जाती है। तो सबसे पहले एक सबसे आसान ये है, बन जाएगा CH2OH, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, वन प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या लिखेंगे, वन प्रोपेनॉल। अब जैसे देख लीजिए अब यही दूसरा बन जाएगा CH3CH3, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, OH, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे। अब जैसे देखिए और यहाँ पर इसको हम प्राथमिक एल्कोहल कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमें क्या हुआ, चेंज हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, टू प्रोपेनॉल, इसे वन प्रोपेनॉल इसे कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, टू प्रोपेनॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, टू प्रोपेनॉल कहेंगे। और सूत्र तो वही है, कितने कार्बन है, तीन, एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन कार्बन, हाइड्रोजन आठ है इसमें भी आठ होना चाहिए, तीन दो पांच दो सात एक आठ इसमें भी आठ होना चाहिए, तीन तीन छह सात एक आठ, सब कुछ सेम है। ऑक्सीजन इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, यहाँ पर भी एक है, सब कुछ सेम है, लेकिन अणु सूत्र इसका क्या है, समान है, लेकिन संरचना सूत्र क्या है, भिन्न है। संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण इसका जो नाम है वो भी क्या है, चेंज है। तो इसके कितने, एक ही अणु सूत्र के कितनी समानता बन गई, दो बन गई, अभी एक और बनेगी। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये बन जाएगा CH3O CH2 और CH3, ये बन गया ना, तो ये बन गया। अब इसका नाम भी हो जाएगा, यहां पर इसका नाम हो जाएगा क्या, हो जाएगा मेथिल और एथिल, ATHYLE, एथिल ईथर, मेथिल एथिल और क्या कहेंगे इसे हम, ईथर कहेंगे, मेथिल एथिल ईथर। अब जैसे देख लीजिए इसमें भी एक दो तीन कार्बन है, कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, तीन दो पांच तीन आठ, आपसे हाइड्रोजन आठ है और ऑक्सीजन कितने हैं, एक है। इस तरह से एक ही अणु सूत्र के आप जितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं वही स्ट्रक्चर उसकी क्या कहलाती है, समवयवता कहलाती है। इस C3H8O का हम कितने स्ट्रक्चर बना चुके हैं, तीन स्ट्रक्चर बना चुके हैं, तीन स्ट्रक्चर बने होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, इसे कि कितनी समवयवता है, तीन समवयवता, कितनी समवयवता है,
तीन समावयव होता है। तो आप एक अणुसूत्र के इतने सही स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो इसकी क्या कहलाती है, समावयवता। आप अपने अनुसार आप बना सकते हैं, सभी स्ट्रक्चर बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं। जो नया आया हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम फिर अगले दिन इसी में समय हम आपको फिर उसका आंसर दे देंगे, सब बनाकर दिखा देंगे ना। ये हो गया। अब जैसे देख लीजिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब प्राथमिक एल्कोहल आप किस तरह से बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को आप किस तरह से आप बना सकते हैं। पहला यही है, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा, एल्केन से यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड। यदि एल्केन यही है CH3, CH3 ये क्या है, एल्केन है। अब इसमें कोई हैलाइड जुड़ा रहेगा तो यहां पर हो जाएगा CH2 और Cl। यदि एल्किल हैलाइड ये क्या है, एल्किल समूह है, और ये कौन सा समूह है, हैलाइड। ये कौन सा समूह है, इतना एल्किल समूह, और ये कौन सा समूह हैलाइड समूह है। एल्किल हैलाइड के यदि हम जल अपघटन करा देंगे तो यहां पर जैसे जल अपघटन आप करा दीजिए NaOH से, हाँ जल अपघटन आप करा देंगे एल्किल हैलाइड का, जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, जल अपघटन कराने के लिए यहाँ पर गर्म कर देते हैं। गर्म कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एल्कोहल प्राप्त करने के लिए यहाँ पर CH3 CH2 है और Cl है, तो यहाँ पर जो ये बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या करता है, ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा मतलब टूटेगा, टूटने के बाद यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, किस रूप में निकलेगा, यहाँ पर माइनस के रूप में निकलता है, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। इसके मान लीजिए प्लस में टूटा और ये माइनस में टूटा, उसी तरह से यहाँ पर NaOH है, NaOH को जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर NaCl, यहाँ पर Na प्लस में टूट जाएगा और O माइनस में टूट जाएगा। इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ आपस में जुड़कर हमें क्या दे देते हैं, एल्कोहल दे देंगे। क्या दे देंगे, यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 OH और प्लस यहाँ पर बन जाएगा NaCl। इस तरह से हम एल्कोहल बना सकते हैं। और जैसे देख लीजिए, अभी RX करके हम दिखा देते हैं, एल्केन को हम R के द्वारा भी कर सकते हैं। X का मतलब क्या है, हैलोजन हैलाइड, ये है एल्किल, और ये एल्किल हो गया और क्या है, हैलाइड हो गया। इसको हम जैसे यहाँ पर किसी के साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं, और जैसे देख लीजिए सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ भी करा सकते हैं, AgOH। तो यहाँ पर ये माइनस में टूटेगा और ये प्लस में टूटेगा, ये जान लीजिए बस, उस तरह से लिखना नहीं है, ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ROH प्लस AgEx बन जाएगा। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं एल्कोहल।